दोस्तों, अगर आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं या फिर पीएफ अकाउंट से जुड़ी कोई भी ऑनलाइन सर्विस का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ईपीएफओ के मेंबर यूनिफाइड पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। और लॉगिन करने के लिए आपको एक यूएन नंबर और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक बार ईपीएफओ की ऑनलाइन सर्विसेज का लाभ उठाने के बाद जब दोबारा से कुछ समय बाद अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं, तो आप पाते हैं कि आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं। तो इस कंडीशन में आप अपने यूएन लॉगिन पासवर्ड को दोबारा से कैसे पा सकते हैं, उसका लेटेस्ट 2022 प्रोसेस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और गूगल में सर्च करना है ईपीएफओ और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, आप देखेंगे सबसे ऊपर जो लिंक दिखाई देगा वो होगा epfindia.gov.in का, यानी ईपीएफओ का। उस पर आपको क्लिक करना है और वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे, कुछ इस तरह से आपको यहां पर स्क्रीन दिखाई देगी। उसके बाद यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा ऑन, जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। अपना यूएन पासवर्ड भूल जाने पर अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं और एक नया पासवर्ड पाना चाहते हैं और ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको कुछ मेन पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें आपका जानना बहुत ही अनिवार्य है। जैसे कि आपके पीएफ अकाउंट की बेसिक डिटेल्स, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड की डिटेल से मैच होना चाहिए और आपके आधार कार्ड के साथ आपका करंटली एक्टिव मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि आप ओटीपी वैलिडेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। और दोस्तों, यहां पर यह भी इम्पोर्टेंट है कि आपके पीएफ अकाउंट में और आपके आधार कार्ड में सेम मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। यहां पर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे लॉगिन स्क्रीन के नीचे आपको दिखाई देगा फॉरगॉट पासवर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। यहां पर सबसे पहले आपको अपना यूएन नंबर एंटर करना है, उसके बाद नीचे कैप्चा कोड एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहां पर आपको अपने नाम को एंटर करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है, उसके बाद जेंडर को सेलेक्ट करना है और नीचे वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर पहले आपको कैप्चा कोड एंटर करना है, उसके बाद अपना आधार नंबर एंटर करना है, उसके बाद इनके डिस्क्लेमर को सेलेक्ट कर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका आधार वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको कुछ इस तरह से मैसेज होगा। उसके बाद नीचे जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में अपडेट है वो मोबाइल नंबर नीचे एंटर करना है और इनके डिस्क्लेमर को सेलेक्ट कर नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पहले कैप्चा कोड एंटर करना है, उसके बाद नीचे ओटीपी को एंटर करना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका ओटीपी वैलिडेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नीचे जो भी पासवर्ड आप क्रिएट करना चाहते हैं उसे यहाँ पर न्यू पासवर्ड में एंटर करना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में दोबारा से पासवर्ड को एंटर करना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और जो नया पासवर्ड आपने क्रिएट करा है उसके साथ आप यूएन अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको यहां पर मैसेज होगा पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। दोस्तों, यहां पर नया पासवर्ड डालते समय आपको ध्यान देना होगा, पासवर्ड बनाने की कुछ कंडीशंस होती हैं। आपके पासवर्ड में कम से कम एक कैपिटल अल्फाबेट होना चाहिए और कम से कम एक स्मॉल अल्फाबेट होना चाहिए। आपका पासवर्ड कम से कम 7 अंकों का होना चाहिए और उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर का भी इस्तेमाल होना चाहिए। पासवर्ड का एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोसेस से अगर आप अपने पीएफ अकाउंट का पासवर्ड भूल गए हैं और पीएफ लॉगिन पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं और नया पासवर्ड पाना चाहते हैं, तो आप बड़ी आसानी से अपने नए पासवर्ड को पा सकते हैं और अपने पीएफ अकाउंट में ऑनलाइन लॉगिन कर ईपीएफओ की ऑनलाइन सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ईपीएफ से जुड़ी ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।